हमारे चैनल पर आपका सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। आज हम आपको मुलाकात कराते हैं हमारे मावली कॉलेज के अध्यक्ष साहब से। जी आपका नाम? जी साहब, सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल से जो भी दर्शक देख रहे हैं उन सबको प्रणाम, और सबसे पहले आपने जो इन्वाइट किया उसके लिए धन्यवाद। मेरा नाम गजेंद्र सिंह राव है, मैं राजकीय स्नातक और महाविद्यालय का प्रथम छात्र संघ अध्यक्ष हूँ, और मेरा गांव बिड़गा से और बिल्कुल ग्रामीण फैमिली से आते हैं और छात्र शक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप राजनीतिक में कितने टाइम से हो? जी सर, राजनीति से मतलब मैं एक एबीपी संगठन से आता हूं, तो मैं सत्र 2022 से मतलब 2021-22 से मैं संगठन से जुड़ा था। दो साल निरंतर मेहनत की, संगठन टिकट दिया उसके लिए, फिर छात्र संघ अध्यक्ष बने। इससे पहले आपके कोई परिवार में कोई राजनीतिक में? जी सर, मेरे मतलब फैमिली 7 पीढ़ी तो कोई राजनीति में नहीं है, बिल्कुल एक ग्रामीण फैमिली से आता हूँ मैं, तो फैमिली कोई नॉर्मल फैमिली है, ग्रामीण फैमिली से आता हूँ मैं। आपने पूरे सत्र में क्या क्या समस्याओं का निराकरण किया उसके बारे में जानकारी दें। जी सर, पूरे जैसे भी छात्र शक्ति ने मुझे पहले ही दिन जिस दिन वोटिंग हुई थी, रिजल्ट आया था, उसी दिन से मैंने छात्र शक्ति के लिए संघर्ष करना स्टार्ट किया था। अगर मैं सबसे बड़े अपने जो भी पॉइंट्स होते हैं मुद्दों को बताऊं तो सबसे पहले हाल ही में आपने वीडियो भी देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, तो सबसे पहले अपना जो कॉलेज था वो सिर्फ यूजी का था, तो हमने उस कॉलेज को पीजी करवाया, और पहले यहाँ सिर्फ बीए चलती थी, तो बीए से उस कॉलेज को बीकॉम बीएससी में अपग्रेड करवाया। 5 साल से जो समस्या चल रही थी एनसीसी की, उसको प्रिंसिपल मैम को ज्ञापन देके उसको एनसीसी की समस्या करवाई। यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा जो क्रॉस कंट्री टूर्नामेंट होता है वो करवाया। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं स्पोर्ट्स में, अगर मेरी अचीवमेंट देखी जाए तो मैंने खुद यहाँ से उदयपुर से जो रग्बी एसोसिएशन है उसको यहाँ बुलवा के अपने जो भी छोटे भाई बहन थे उनको प्रशिक्षण दिलवाना, और मैं इतने गर्व से कह सकता हूँ कि वो भाई बहन उनका 8 मतलब मेरे भाई कॉलेज से उन लड़कों का सिलेक्शन हुआ है स्टेट के लिए। तो ये बहुत बड़े जो प्रमुख मुद्दे रहे हैं इस मेरे इस साल के कार्यकाल में, और कंटिन्यू संघर्ष कर रहा हूँ उनके लिए अभी भी। अच्छा, और आपके आगे वाले सत्र में क्या मतलब सोच है, क्या और होना चाहिए? सर डेफिनेटली काम तो इस सत्र में काफ़ी किया है, लेकिन मेरी ये मांग है कि मैंने जो किया है उसको पूरे जो भी आगे आने वाले जो पदाधिकारी उसको हमको आगे ले जाए। जैसे हमने बीएससी बीकॉम एमए खुलवाया है तो वो और नए सब्जेक्ट ऐड करवाए, जैसे एमए में बीकॉम है तो उसको एमकॉम लाए, बीएससी हो तो और उसको अपग्रेड करें, मतलब और हाई लेवल पे हो। मतलब कॉलेज से रिलेटेड जो भी बच्चों को समस्याएं आ रही, जैसे बैठने की हमारी समस्या, मतलब बैठने की सही प्रॉपर तरीके से व्यवस्था नहीं है, तो वो हो, जो नई बिल्डिंग है वो जल्दी जल्दी तैयार हो, और कंटिन्यू जो भी छात्र शक्ति की जो समस्या आ रही है, मेरी ये अपेक्षा है कि कंटिन्यू मैं भी छात्र जो भी अभी एट प्रेजेंट में है उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, उनके साथ मिलकर काम कर रहा हूँ, और आने वाले टाइम में आपको कॉलेज में और बहुत से चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। मुख्यमंत्री को आपने रास्ते में रोकवाई थी गाड़ी, वो आपने कैसे क्या प्रयास किया था? जी सर, ये थोड़ा बहुत से लोगों को अभी पूरा पता ही नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा सा आपका टाइम लूँगा, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करूँगा। जैसे ही मुझे पता चला कि माननीय मुख्यमंत्री 8 मई को मुझे सूचना मिली थी 8 बजे की मुख्यमंत्री मैं पधार रहे हैं, तो मेरी जो भी टीम थे, जो भी कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, भाई बहन थे, उनको मैंने सोशल मीडिया के द्वारा उनको थोड़ा एक्टिव किया कि भाई कल माननीय मुख्यमंत्री भाई पधार रहे हैं, अपने जो भी कॉलेज के मुद्दे हैं हमें क्लियर करवाने हैं, तो अपन कल उस ज्ञापन देंगे। सोशल मीडिया में मैंने एक भावुक अपील भी डाली थी, तो अगले दिन एग्ज़ाम भी चल रहा था, 9 तारीख को इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम भी थर्ड ईयर वालों का, तो वो सब साथ हम, जैसे ही मुझे पता था 9 बजे उनका टाइमिंग थी, मैंने पता कर लिया था, तो 9 बजे उनकी टाइमिंग थी, तो 8 बजे मैं सुबह पहुंच गया था कॉलेज, और कॉलेज में गया, ज्ञापन व्यापन मेरे छात्र संघ अध्यक्ष के लेटर पैड था उसको मैंने रेडी करवाया, सभी जो भी स्टूडेंट थे उनको भी मैंने रिक्वेस्ट की आपको साथ रहना है, क्योंकि ये अपना काम है, क्योंकि इतने टाइम से संघर्ष कर रहे हैं, ये अपने अच्छा प्लस एक बहुत मौका है बड़ा। तो फिर मुझे पता था कि कुछ अट्रैक्टिव करना है, क्योंकि काम करवाने के लिए कुछ डिफरेंट करेंगे तो भी मुख्यमंत्री महोदय हमें मिलेंगे। तो सबसे पहले जो भी मेरे सेक्स सचिव थी रानी लोहार, वो भी मेरे साथ थी, उनको मैंने बोला कि आप कॉलेज में जो भी पोस्टर होते हैं, जैसे हमारी ज्योग्राफी की शीटें होती, उसमें जो भी हमारे बड़े बड़े मुद्दे थे, जैसे बीए का एमए का था, बीएससी का था, बीकॉम का था, और हमारे कॉलेज में एक नया कॉलेज अभी बन रहा है लदानी में, उसके 6 करोड़ की बिल्डिंग बाउंड्री वॉल का जो पैसा है वो भी राजस्थान सरकार ने पास नहीं किया था। तो ये 4 प्रमुख मुद्दे थे मेरे जो माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन देना था। तो लेटर पेड पर सर ने मेरे बहुत हेल्प की, पूरे कॉलेज से सहायता मिली थी, लेटर पेड पर हमने लिख दिया, और बड़े बड़े गत्तों पर मैंने लिखवा दिया बीएससी बीकॉम और एमए और बोहतर लाख की बाउंड्री वॉल, माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसे स्वीकृत करें आप। फिर मैंने वो सब कलर वलर से, वो वीडियो भी देखा होगा, वायरल हो गया पूरे राजस्थान में, उसको लिखवाकर पूरी टीम को मैं साथ में लेके गया
फिर वैसे हम एंट्री कर रहे थे, दो गेट थे, एक वीआईपी सेक्शन था, एक नॉर्मल गेट था। नॉर्मल गेट से हम जा रहे थे, पुलिस वालों ने काफ़ी हमारे साथ बिल्कुल व्यवहार सही नहीं किया था और हमें कहा आप नहीं जा सकते, लेकिन मैंने क्लियर कर दिया था कि हम इसके अंदर से जाएंगे, भले आपको कुछ भी हो लेकिन हम मिलेंगे उनसे। ये मतलब हमारी जो मेहनत है, हमने इतने गत्ते रेडी करवाए, सब करवाए, लेकिन फिर आप हमें एंट्री नहीं दोगे, हम बताएंगे कैसे, हमारी डिमांड कैसे रखेंगे, एक नॉर्मल बात करने से तो काम नहीं होगा। तो फिर हम वीआईपी गेट की तरफ गया, तो वहाँ पर भी पुलिस वालों ने हमें बहुत तरीके से, मैं क्या बोलूँ, बहुत बुरा व्यवहार किया था। फिर उनको मैं बताया कि मैं छात्र संघ अध्यक्ष उसको लेकर, तो भी उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। तो जैसे ही उसके जस्ट 2 मिनट बाद लड़के भी निराश हो गए, क्योंकि पुलिस वाले ऐसे व्यवहार करते हैं तो डेफिनेटली निराश हो जाते हैं। तो लड़के थोड़े निराश जाते हैं, मैंने सोचा टेंशन मत लो, अपन ये मुद्दे हैं, छात्र शक्ति ने हमने चुना है, ये मुद्दे अपने कुछ भी हो जाए क्लियर करवाने। तो सब लड़के जैसे ही 2 मिनट के बाद उनका काफिला आया, काफ़ी बड़ा काफिला था, तो मैंने सबको ये बोला ये गत्ते आप साथ में रहने दो। और जैसे मुख्यमंत्री महोदय आए, मैंने उनको स्ट्रेट मतलब 90 ऐसे खड़ा कर दिया था, लड़के लड़के सब थे हमें, तो सब खड़े हो गए। और जैसे मुख्यमंत्री हमारा आगे से आ रहे थे, हमने सबको ऐसे गत्ते आप ऊपर कर दो, उन्होंने ऊपर कर दिया। तो मुख्यमंत्री महोदय को थोड़ा अट्रैक्टिव लगा, ये क्या चीज़ है, बीएससी बीकॉम एमए बोहतर लाख बाउंड्री वाला और स्पेशली मुख्यमंत्री के नाम से। तो उन्होंने मुझे बुलवाया था और लगभग कंटिन्यू, आपने वो वीडियो भी देखा, पूरा राजस्थान में वायरल हुआ था। तो 5 मिनट तक उन्होंने मुझसे बात की थी और चारों डिमांड थी उन्होंने उसी टाइम उन्होंने पूरा किया था, ये मैं मानता हूँ खुश नसीब था। और उन्होंने काम करवाया था और हैंड टू हैंड उन्होंने उस चीज़ को जारी कर दिया था। और उसके बाद राजस्थान सरकार का भी मैं इसमें थोड़ा विशेष धन्यवाद दूंगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इतना छात्र शक्ति के लिए इतना बड़ा काम किया है। और उसके बाद भी ऐसे नहीं एक काम हो गया, उसके बाद अभी आप देखेंगे कंटिन्यू लागू भी हो गए, वो काम एम ए लागू हो गई, बीएससी बीकॉम और बोहतर वाले लाख वाले, उन्होंने खुद सीएम साहब के जो पर्सनल जो होते हैं वो सचिव साहब, उन्होंने मुझे खुद लेटर फॉरवर्ड किया स्पेशल अध्यक्ष के नाम से। तो मैं मानता हूँ खुश नसीब था कि छात्र शक्ति ने मुझे चुना और उनके लिए कुछ कर पाया, आज इस मुकाम तक पहुँचे। कुल मिला के ये है कि गजेंद्र सिंह जी ने बहुत ही अच्छे कार्य कराए हैं और यहाँ के स्टूडेंट भी संतुष्ट है, हमने जानकारी प्राप्त करी उस हिसाब से। गजेंद्र सिंह जी आपका हार्दिक स्वागत है, थैंक यू सर।